इफ एक्स इक्वल टू 2 + 3√2 फाइंड एक्स प्लस 14/x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख के एक बार तो लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। मैं अब चाहता हूँ कि एक बार आप स्क्रीन को पॉज करें और खुद 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी लगता हो आप एक बार ट्राई करें, सोचें कैसे बनता है, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को प्ले करें। आइए देखिए, आपने शायद ट्राई कर लिया होगा, अगर आपसे बन गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बना हो तो यहाँ पर हम सीखते हैं। यहाँ पर आपको x का वैल्यू गिवन है 2 + 3√2 और आपको फाइंड करना है x प्लस 14/x। ठीक है, x तो गिवन है, मतलब ये हुआ कि आपको अब 14/x का आंसर फाइंड करना है। बस इतना सा काम कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब 14/x का आंसर हम कैसे फाइंड करें, पहले आपको 1/x का आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर आपको x गिवन है, अब 1/x का आंसर फाइंड करेंगे। 1/x का आंसर फाइंड करते ही आपको 14/x का आंसर मिल जाएगा, आप उन दोनों को ऐड कर लेंगे, सॉल्व हो जाए। देखिए आइए, देखिए आपको x गिवन है 2 + 3√2, अब आपको 1/x मिल जाएगा, 1 / 2 + 3√2। आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो इरेशनल है और ये a प्लस बी के फॉर्म में, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 - 3√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको न्यूमिनेटर पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 - 3√2 से। ठीक है, तो 1 को जब 2 - 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 - 3√2, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको आंसर मिल गया है 2 - 3√2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 3, ये हो गया 9, √2 × √2 वो होगा 2, और 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा -18। अब देखिए क्या आंसर आपके आ गया आपके पास, 2 - 3√2 - 14। ठीक है, और आप जानते हैं कि कभी भी फ्रैक्शन में आपका आंसर आए तो फिर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप कभी नेगेटिव साइन नहीं छोड़ेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो फिर ये नेगेटिव साइन को आपको कैंसिल करना है। नेगेटिव साइन कैंसिल कैसे करेंगे, ऊपर जो आपको ये दिख रहा है न्यूमिनेटर पार्ट जिसमें 2 - 3√2 है, इससे आपको माइनस को कॉमन ले लेना है। जब आप इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -2 + 3√2 हो जाएगा, और ऊपर और नीचे दोनों से आप माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आइए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/x = ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा -2 + 3√2 - 14। अब ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपको 1/x का आंसर मिल गया -2 + 3√2 / 14, और आपको आंसर किसका चाहिए था 14/x का, तो आपको फिर 14/x का भी आंसर मिल जाएगा। आप इसको पूरे को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 - 2 + 3√2 / 14, 14 हो गया कैंसिल, तो फिर आपको 14/x का आंसर मिल गया -2 + 3√2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देख के सोचते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन हार्ड होता नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब आपको x का आंसर तो गिवन था ही 2 + 3√2, और आपको 14/x का भी आंसर मिल गया -2 + 3√2, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो x प्लस 14/x का आंसर मिल जाएगा। आइए अब देखिए, x + 14/x इसका आपको आंसर मिल गया। x का आपको आंसर गिवन था क्वेश्चन में 2 + 3√2 प्लस, और 14/x का आंसर आया था -2 + 3√2, ये हो गया 2 + 3√2। पॉजिटिव साइन है तो दोनों का साइन चेंज नहीं होगा, -2 एज इट इज़ आ जाएगा और +3√2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आपको आंसर मिल गया 6√2। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और ऐसा ये सब क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि हार्ड होगा, लेकिन हार्ड होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था एक बार आप खुद ट्राई करके देखें, आपसे बन जाना चाहिए, नहीं भी बनता है तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि आप इजीली गिव अप कर देते होंगे क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसका क्वेश्चन और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और पॉलीनोमियल्स चैप्टर के जितने भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया वो सब आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा और आपको कोई और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू गाइस, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें, और इस वीडियो के एंड में आपको उसके बाद कौन सा वीडियो देखना है, इसके पहले कौन सा वीडियो देखना चाहिए
वो आपको एंड स्क्रीन में मेंशन कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।